साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 को लेकर फैंस सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब जाकर इंतजार पूरा हो चुका है। आज फाइनली ये मच अवेटेड फिल्म रिलीज हो चुकी है। यश और संजय दत्त स्टारर केजीएफ 2 में दर्शकों को रॉकी भाई और अधीरा के बीच जंग देखने को मिलेगी। फुल ऑन मसाला होगा, एक्शन होगा, थोड़ा बहुत रोमांस भी होगा। बता दें कि फिल्म में एक्ट्रेस रवीना टंडन और प्रकाश राज भी अहम भूमिका अदा करते दिखाई देंगे। लेकिन आप सिनेमा घर में केजीएफ 2 को देखने जाएं, इससे पहले हम आपको एक आइडिया दे देते हैं कि ये मूवी कैसी है और आपको इसे देखने में कितना ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का क्विक रिव्यू। फिल्म का प्लॉट, केजीएफ चैप्टर 2 वहीं से शुरू होता है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। रॉकी ने अब केजीएफ पर अपना दावा ठोक दिया है, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि इसके अलावा भी और बहुत कुछ वहां मौजूद है, जबकि वो उन सभी पर नजर रखता है। एक वाइकिंग्स बैकग्राउंड से अधीरा के रूप में रॉकी के सामने नई चुनौती आती है। सिचुएशन रॉकी को सब कुछ और केजीएफ छोड़ने के लिए मजबूर करती है क्योंकि वो उसके साथ युद्ध छेड़ देता है। जब तक कोई सोचता है कि अधीरा के साथ लड़ाई में रॉकी को बढ़त मिल रही है, यानी वो जीत रहा है, तो इस बीच एक बड़ी ताकत और बाधा बन जाती है। ये एक राजनीतिक मामला है जिसमें प्रधानमंत्री सीधे तौर पर शामिल होती है, यानी रवीना टंडन। इन सब में रीना यानी श्रीनिधि शेट्टी कैसे शामिल है, रॉकी, रीना, अधीरा और प्रधानमंत्री यानी रवीना टंडन को कैसे संभालता है और अंत में क्या होता है, इसके लिए आपको सिनेमा घरों में जाकर फिल्म देखनी होगी। कैसी है परफॉर्मेंस, यश रॉकी भाई की भूमिका को दोहराते हैं जो इस बात में और ज्यादा आइकॉनिक लग रही है। वो बेहद ही इजी और कॉन्फिडेंट के साथ एक बार फिर से मैदान में उतरते हैं और अपने स्वैग एटीट्यूड से सभी के दिलों में उतर जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो दूसरे चैप्टर में उनके लिए कोई नई ज्यादा बड़ी चुनौती तो नहीं है, पहले पार्ट की ही तरह ये पार्ट भी इमोशन और हीरोइज्म से भरा हुआ है। हालांकि कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत ऊंच नीच जरूर दिखाई देती है अगर इसे पार्ट 1 से कंपेयर करें तो, लेकिन ओवरऑल यश इस पार्ट में एक बार फिर से ड्रॉप कर गए हैं। श्रीनिधि शेट्टी इस बार भी फिल्म में सपोर्टिंग रोल में नजर आई, जिन्होंने फिर से अपनी एक्टिंग, अपनी अदा से एक बार फिर सभी लोगों का दिल जीत लिया और फिल्म में 4 चांद लगा दिए। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्ट 1 में उनका कैरेक्टर ज्यादा इम्प्रेसिव काम कर रहा था। संजय दत्त, रवीना टंडन, राव रमेश और प्रकाश राज केजीएफ की दुनिया में नए जुड़े हैं। प्रकाश राज ने कहानी में अनंतनाग की जगह ली है। संजय दत्त के लुक को काफी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है, उन्हें खतरनाक दिखाने की बहुत कोशिश की जाती है और कहना पड़ेगा कि इसमें उनकी उम्र कहीं से कहीं तक बीच में नहीं दिखाई पड़ी। रवीना टंडन एक अग्रेसिव पर्सन की भूमिका निभाने में काफी सक्सेसफुल रही है। राव रमेश ने भी अच्छा काम किया है। बाकी कैरेक्टर्स पहले भाग से अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए बेहतरीन लग रहे हैं। कैसा है फिल्म का डायरेक्शन, प्रशांत नील, जिन्होंने केजीएफ के साथ नेशनल लेवल पर पॉपुलैरिटी हासिल की, अपने आखिरी भाग केजीएफ चैप्टर 2 के साथ धमाकेदार वापसी की है। उन्होंने केजीएफ 2 में यश के सामने आई हर एक चुनौती को अच्छे से दर्शाया है, अच्छे से दिखाया है और कहना पड़ेगा कि वो अपने डायरेक्शन में एक बार फिर से सफल रहे हैं। फिल्म का म्यूजिक, रवि बसरूर का म्यूजिक केजीएफ की लाइफ लाइन है। बैकग्राउंड स्कोर कमाल का आता है, भले ही वो काफी तेज आवाज में हो, बिना म्यूजिक के फिल्म बिना जान जैसी लगती है, जिसे पूरा किया है इसके म्यूजिक डिपार्टमेंट ने। कहना पड़ेगा कि इस फिल्म का म्यूजिक इसकी जान है। ओवरऑल फिल्म एकदम एंटी हीरो, एक्शन, एंटरटेनर और मसाला से भरी हुई है, जिसे आपको एक बार सिनेमा घर में जाकर जरूर देखना चाहिए। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।